साथ दोस्तों मैं बना रही हूँ फेवरेट डिश भटकी चुकाएं। ये सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, छोटू को प्यार स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल निखिल माम ब्लॉग में। तो आज मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग करी तो आज दोस्तों मैं बना रही हूँ उत्तराखंड की फेवरेट डिश भटकी चुकाएं। तो आप देख सकते हैं ये रहे काले भट, जो कि आप इसको सोयाबीन भी बोल सकते हो। सोयाबीन दो प्रकार के होते हैं, एक व्हाइट और एक ब्लैक। तो हमारे उत्तराखंड में ब्लैक सोयाबीन बहुत अधिक मात्रा में पहले तो मिलते थे, अब ये दुकानों पे मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे खेती बाड़ी कोई नहीं करता। कढ़ाई जो है लोहे की कढ़ाई में बनानी होती है, ये मैंने लोहे की कढ़ाई ले रखी है और बिल्कुल गैस की फ्लेम जो है स्लो करनी होती है। उसमें तेल गर्म होने के बाद भट डाल दो और देखो ऐसी आवाज़ आती है, देखिए ये जब तक ये चट चट की आवाज़ ना करने लगे तब तक ये भुनता नहीं है। अगर ये इसको भुनने के बाद देन हम इसको, ये बेसन है, इतना बेसन मैं अपनी फैमिली के हिसाब से, हम तीन मेंबर तो उस हिसाब से बना रही हूँ, आपकी फैमिली में जितने मेंबर आप उस हिसाब से उस क्वांटिटी से बना सकते हैं। इतना बेसन मैं ले रही हूँ। अब जब तक भट इसमें चट चट कर रहे हैं तब तक मेरे भट ये भुन गए हैं, लगभग भट जो है भुन गए हैं। अब इसकी थोड़ा सा गैस हाई कर लेते हैं हल्का सा और ये बेसन इसमें रोस्ट कर लेते हैं। कुछ इस तरह से कलर आ गया है बेसन इसमें भूनने के बाद, ये देख सकते हैं। ये हम इसको निकाल लेते हैं, बेसन मेरा भून गया है इसमें, इसको एक प्लेट में इसको निकाल लेते हैं इस तरह से, थोड़ा कम वो कलर बन गया देखते हैं। इस तरह से मैंने ये भट जो है भट और बेसन निकाल लिया है। अब ये देखिए इसी कढ़ाई में हम क्या करेंगे, आप चाहे घी सरसों का तेल जो भी हो वो मिला लेते हैं, कितना बहुत है देखिए। ठीक है, इतना तेल ले लिया हमने, तेल लेने के बाद इसमें हम डाल देंगे जीरा, है ना। तो ये मेरा जीरा देखो भुनने लग गया है और जीरा भुनने के बाद मैंने इसमें ना ये देख सकते हैं लहसुन और हरी मिर्ची इसे कूट रखा है, कूटने के बाद इसमें मिला देते हैं, इससे ना बहुत अच्छा मिक्स करके इसका ना बहुत ही अच्छा बहुत अच्छी खुशबू इसकी आती है, लहसुन और हरी मिर्ची का जो पेस्ट है। चाहो तो आप अदरक भी डाल सकते हो, मैंने अदरक नहीं डाला, स्किप करा हुआ है क्योंकि अदरक यहाँ बहुत महंगा है। ये ना मेन बात यह है, इतनी स्वादिष्ट टेस्टी है सब्जी भी, प्रोटीन से भरी हुई बिना टमाटर की बन जाती है। तो ये कटा हुआ प्याज डाल दूंगी, तो इसको भी भून लेंगे, रोस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। तो प्याज को तब तक भूनना है जब तक ये हल्का सा ब्राउन ना हो। मैं प्याज भून रही है तो इस तरह से देखो पसीना इतना हो गया है, वो बोलते ना पहाड़ की चीज लेकर बनी खाए थे बेटा सुखेल है। तो अब मैं यहाँ पर डिनर, आज लंच बना रही हूँ, आज निकल की छुट्टी है कुछ रीजन से, तो यहाँ पर देख सकते हैं पसीना पसीना हो रखे हैं। तो भटकी चुरकानी जो होती है बहुत ही लाजवाब होती है, टेस्ट का टेस्ट और प्रोटीन से भरा हुआ। मेरा ब्राउन हो गया है तो इसमें मिक्स कर देते हैं हल्का सा चिकन मसाला और मिर्च डाल रखी है, हरी मिर्च तो ये डाल दिया, लाल मिर्च हल्का सा, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक जो नमक स्वाद अनुसार, इन सबको भून लेते हैं। इस तरह से इसको भून लेते हैं, जैसे मैंने बता रखा है बिना टमाटर के बन जाती है, इसको भून दिया है। तो गाइस हमारा मसाला देखो भून गया है और अब इनको मिक्स कर देते हैं इसमें, तो मिक्स करने के बाद इसमें पानी ऐड कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से हल्के हाथ में इसको मिक्स करा तो यहाँ पर देखिए पानी ऐड कर देते हैं इस तरह से, पर कुछ इस तरह से आ रखा है और इसको कम से कम आधा घंटा पकाना होता है, लेकिन इसको थोड़ा सॉफ्ट होने में टाइम लगेगा पकने में भी, तो कि स्वाद भी आएगा। अब इसको आधा घंटा पकने के लिए रख देते हैं, तो मिलते हैं आपको आगे। तो गाइस लगभग ये पकने लग गया है, देखो इसमें उबाल आने लग गया इस तरह से ये, और इसको पकते हुए कम से कम 10 मिनट हो गया है। अरे भट जो है थोड़े बड़े से लगने लग गए क्योंकि ये छोटे साइज़ के दिख रहे थे उस टाइम के, मतलब पकने लग गया है। ये देखिए कितना मस्त सा कलर आ रखा है, ये देखिए। तो आगे मिलते हैं आगे। तो निखिल ले गया था 500 का नोट, इतनी महंगाई हो गई, क्या करें क्या खाएं क्या नहीं खाएं। 500 में आ रखा है हमारा एक किलो दूध और ये टेप और ये आधा किलो घी, 500 में से मिक्स कितना रुपया वासा आया, खाली 7 रुपये, इतनी महंगाई हो गई, क्या करें क्या नहीं खाएं। तो दोस्तों निखिल के पापा निखिल के लिए लाए इतना बड़ा चिप्स, ये देखिए जंक फूड
ये पता नहीं हो ना, कल उस वाली कंपनी में गए थे अब इसी काम से, तो वहाँ ही नंबर होगा तो वहाँ से बुलाए थे जैसे सेंटर के लिए, तो उसको इतनी मतलब मजे हो गए इसको खाने के लिए। बोल रहा है इसको खाना है, क्या बोलते हैं इसका नाम, पेपिटोस। पेपिटोस तो आप भी इंजॉय करें हमारे साथ, देख सकते हैं। तो देखते हुए इसका अंदर कैसा है दिखाते हैं, कुछ इस तरह से। हमारे यहाँ पहले इसको ना हंगामा बोलते थे, और ये इस तरह का कुछ चिप्स है, ये चावल का बनता है शायद, देखते हैं टेस्ट करके। तो दोस्तों ये तो वो हुआ हंगामा, हमारे जमाने में ना 5 रुपये का हंगामा आता था ये, बस इस तरह से है। और टेस्ट पे कैसा आता, नमक भी नहीं हो रहा था। तो गाइज आज मैं बना रही हूँ भटके चुरकानी, वो मैंने आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ना, जब उत्तराखंड में कुछ भी नहीं होता था, कुछ नॉलेज नहीं था प्रोटीन वोटीन के बारे में, वो लोग ऑलरेडी प्रोटीन खाते थे, भटकी दाल हो गई, मसूर की दाल हो गई, यही चीज़ें हम लोग खाते थे, हमारे दादी लोग हमें यही खिलाते थे। और भटके ही मतलब कितने गुण होते हैं, इसमें प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, ये सब होता है। और भटके जैसे डुबके बन जाते हैं, चुरकानी बन जाती है। तो आप एक बार ज़रूर विजिट करें, उत्तराखंड के जो ब्लॉगर हैं वो लोग भी डालते रहते हैं, और जो शेफ़ हैं वो भी डालते रहते हैं भटके चुरकानी। और मैंने भी इसी तरह आज भटके चुरकानी बना रही हूँ। आज ना स्कूल भी बंद है यहाँ पर, क्योंकि स्कूल इसलिए बंद हो गया कि आजमगढ़ में कुछ केस हो गया भैया, पता नहीं क्या स्कूल वाले करते हैं क्या नहीं, मतलब एक बच्चे की जान चलेगी क्या, बीत रहे हुए माँ बाप पे, मतलब कभी भी किसी को भी एक शब्द नहीं करना चाहिए, इस चक्कर में स्कूल यहाँ पर बंद है। कैसे बनती है ये डिश, किस तरह से बनती है, बने रहे यहाँ मेरे साथ, तो आपको दिखाती हूँ, आगे कंटिन्यू करते हैं। भटकी चुरकानी, भटकी चुरकानी समझ नहीं आती, तो तेरे को कैसे लगती निखिल भटकी चुरकानी, मतलब भटकी दाल इतना क्या क्या होता है, प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, ये सब होता है ना, टेस्ट अच्छा रहता है ना। मैंने इसमें बता रखा है ना कि मतलब इसमें टमाटर ज़रूरी नहीं होता है, ऑप्शनल होता है, आप चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन इसमें टमाटर का कोई टेस्ट नहीं है। और जो टेस्ट उसका आता है ना, वो भटका ही टेस्ट आता है। हमारी दादी लोग तो प्याज व्याज भी नहीं डालती थी, वैसे ही बनाते, तो हम लोग तो वैसे ही टेस्ट आता है। लेकिन आज के ज़माने के हिसाब से अगर इसको अगर अच्छा बनाना चाहते हो, टेस्ट बनाना चाहते हो, तो मसाले छिलबट्टे में पीस के बीच में डाल सकते हो, तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, आप ज़रूर ट्राई करो। सालों बाद ना मैंने 15 साल देख लिया, तो उसके बाद अब लग रहे हैं यहाँ पे झूले वूले, देखो तो देखिए यहाँ लगेंगे झूले इस वाले पार्क में अब बच्चों के लिए। देखिए कितने मस्त मस्त झूले लग गए बच्चों के लिए इस तरह से, देखिए परसों सामान आया था हमने दिखाया था, अभी कुछ कुछ झूले भी लगने हैं, कुछ इस तरह से लग गए हैं खेलने के लिए। देखिए आपको ना भट ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, आप गूगल पे सर्च करो, कहीं पर भी सर्च करो, कोई भी साइट पे चला जाओ, वहाँ पे मिल जाते हैं। दिल्ली एनसीआर में तो ये अवेलेबल होते होते, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में ना मैंने कहीं कहीं भी जगह पे उत्तराखंड शॉप देखे हुए हैं, वहाँ पे ये भट अवेलेबल हैं। और आप देख सकते हैं सोयाबीन जो है, इनको ब्लैक सोयाबीन भी आप बोल सकते हो, जिनको समझ नहीं आ रहा, तो बाकी उत्तराखंड वाले तो भट काले भट करके समझ जाते हैं। तो अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। करते हैं लंच, मिलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको कैसी बनी है मेरी भटकी दाल। तो गाइज कुछ आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए, और इस तरह से ये थोड़ा बहुत ना हल्का पतला ही रहेगा, लेकिन ये आज गाढ़ा हो गया है, मैंने इसमें बेसन की मात्रा थोड़ा ज़्यादा कर दी। और इस तरह से इसका टेस्ट वो कलर भी आ गया है, लोहे की कढ़ाई में बनी हुई है, लोहे की कढ़ाई में तो पता ही आपको आयरन सब मिलता है, बाकी ये जो है इसका कलर जो है ना इसी तरह से होगा, क्योंकि भटका जो कलर है वो ब्लैक है, तो इसका जो टेस्ट कलर पे मत जाइए आप, टेस्ट पे इसका बड़ा ही मस्त इसका लाजवाब रहता है। तो आगे सब करते हैं, मिलते हैं आगे। तो गाइस देख सकते हैं इसमें ना ज़्यादा सलाद खाने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सलाद अगर हम खाएंगे ना तो ज़्यादा टेस्ट नहीं आता है भटकी चुरकानी का। ये देख सकते हैं, ये मैंने प्याज ले लिया और हरी मिर्च ले ली, और मैंने ये गेटअप जो आप देख रहे हैं इस तरह से, तो उत्तराखंड के हैं तो उत्तराखंड में इसी तरह से गेटअप रहता है, तो मन करा आज इसी तरह से मैं भी खाना बनाऊँ। तो ये देखिए आप भी इंजॉय करें हमारे साथ। तो इस ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहें मेरे चैनल पर।